गुप्ता, लोक जनशक्ति पार्टी हमारे एलजीपी के हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पप्पू यादव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, बीच में कॉलर्स का जरूर फोन आएंगे तो मैं बीच में रोकूंगा या उनका सवाल लूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कैसा आगाज है, ये बिहार चुनाव में ये दृश्य देखने को मिल रहा है, ये 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 ये, ये मारपीट देखने को मिल रही है, ये कैसी चीज है? इसका इसके लिए तो नहीं जानते या इसके लिए तो हम लोग बिहार चुनाव को नहीं कह रहे थे कि सबसे बड़ा चुनाव है। पप्पू यादव जी, आप आश्चर्य होगा कि गुजरात में किस तरीके से बिहारियों को पीट पीट करके ट्रेन में भेजा गया था और अभी कोरोना वायरस में क्या स्थिति भी आप जानते हैं। मैं आज जब पूरे भारत के लोग सड़कों पर थे, हरियाणा, चंडीगढ़, हमारे एक एक देश के विपक्ष की सड़कों पर थे, और हम लोग जब घर लौट रहे थे तो छात्र और हमारे एक्स MLA रामचंद्र जी बीजेपी कार्यालय के बगल से वहाँ से लौट रहे थे। किस तरीके से उस MLA पर लाठीचार्ज हुआ है, आप ये भगवा के गुंडे जिस तरीके से मारे हैं चारों तरफ से घेर करके, आप उसकी स्थिति देख लीजिए। अस्पताल में उनके ब्रेन में चोट है, उनका हाथ टूट चुका है, आप उनको आप स्थिति देख लीजिए। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये जिस तरीके से आज विचलित हो चुके हैं बिहार में, ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने इनको बहुत गंभीरता से कहा कि 30 साल बनाम 3 साल मैं प्रतिज्ञा पत्र को लेकर शपथ पत्र के साथ आया हूँ, कोर्ट के एफिडेविट के साथ। इन्होंने, मैंने कहा कि आप दोनों आदमी अलग अलग चुनाव लड़ लीजिए, आपको बहुत दावा है। कभी आप मोदी जी को कहते हैं कि मैं एक बार नहीं जाऊंगा, कभी RSS गलत है, कभी DNA खराब हो जाता है, और इस स्थिति में बीजेपी में लाठी भाला फरसा जिस तरीके से पूरे तरीके से, यदि कोई गलती किसी से होती तो मैं कहता कि ये गलत है। क्या लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का जो सत्ता में है, क्या उसका विरोध या मंत्री का विरोध करने का क्या कोई तरीका नहीं है? क्या यदि गलती किसी पार्टी ने की तो क्या उसके लिए कानून, पुलिस और संविधान नहीं है? क्या आप लाठी भाला लेके इतना मारोगे कि मारते मारते मार दोगे, जिस तरह जगदेव बाबू को मारते मारते मार दिया? और जो परिस्थितियाँ हैं उसमें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से 56-60 लाख पानी में लोग हैं, और जब कोई विरोध करता है तो ये किस तरीके से लाठी गोली, एक बार नहीं, कोरोना वायरस में भी क्वारंटाइन में इसने कितने को पीटा है आपका अंदाजा नहीं होगा। 60 लाख लोग 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है, कहीं भी पूरा का पूरा बिहार तबाह हो चुका, इनके आपदा सिंचाई मंत्री कहीं नहीं राइट निकले। राइट सर, पप्पू जी मैंने आपकी विरोध, पप्पू जी मैंने बात की, जनता ने विरोध किया, MLA का विरोध किया जी। राइट सर, मैंने आपकी बात ली, आपके पॉइंट्स हमने लिए और मैंने यही पूछा जी। बिल्कुल, आपको ऑफकोर्स मैं आपके आपसे ही मैंने आगाज किया, आज ही अभी उसको दृश्य को भी दिखाया मैं। बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, आपसे बिल्कुल जानूंगा कि इन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, भगवा के गुंडे, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पप्पू जी ने अभी बोला, मैं ये जानना चाहूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले LJP के जो प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है, AK वाजपेयी साहब, मैं आ रहा हूँ जफर इस्लाम, मैं आपसे जवाब चाहेंगे क्योंकि आपके ऊपर सीधे इन्होंने कहा, लेकिन मैं LJP के प्रवक्ता जो यहाँ पे मौजूद है, AK वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब बताइए, ये आगाज है बिहार चुनाव का? मैं बिहार चुनाव में बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ और बिहार चुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव मानता हूँ और मानता हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर पर, उससे बड़ा चुनाव कोई नहीं होता देश में, लेकिन ये आगाज है, ये तरीका है, ये यहाँ से शुरुआत होगी। LJP के प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब, नहीं भाई, नहीं, अरे